राहुल अपनी गर्लफ्रेंड निशा से बेहद प्यार करता था और वह किसी भी कीमत पर निशा से शादी करना चाहता था, मगर राहुल की माँ विमला इस रिश्ते के खिलाफ थी क्योंकि निशा का इस दुनिया में उसकी छोटी बहन के अलावा कोई भी नहीं था। इसीलिए मजबूरन राहुल निशा से मंदिर में शादी कर लेता है और निशा के साथ उसकी 13 साल की छोटी बहन प्रिया को भी अपने साथ घर ले आता है। अपने बेटे के साथ वरमाला पहने हुए विमला लड़की को देखकर समझ जाती है कि राहुल ने निशा के साथ शादी कर ली है, जिससे विमला गुस्सा होने लगती है। ये सब क्या है राहुल? अरे तुझे शर्म नहीं आई क्या? अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तूने इस दो कोड़े के लड़के से शादी करी है। तभी विमला की नज़र निशा की छोटी बहन प्रिया पर जाती है। अरे अगर यही दिन दिखाने थे तो मुझे पहले बता देता ना, मैं जहर खाकर मर जाती। कम से कम ये दिन देखने को तो नहीं मिलते ना मुझे। माँ मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आपने अपने जिद के आगे मेरी एक बात नहीं सुनी और मजबूर होकर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। माँ मैं निशा अनाथ है, इसमें उसकी क्या गलती है? वाह बेटा, आज तो बाहर वाले की वजह से अपनी माँ से बहस कर रहा है। अरे यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे इतना बड़ा किया था क्या? माँ आप लड़ोगी झगड़ा करोगी तो क्या ही हो जाएगा इससे? अब सच्चाई को अब स्वीकार करना पड़ेगा आपको। निशा मेरी पत्नी है और मैं इसका पति, अब हम दोनों को हमेशा साथ रहना है इस घर के अंदर। अरे किसने कहा कि तू इस घर में रहेगा? इस लड़की को लेके निकल मेरे घर से। और ये लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ खड़ी है? माँ ये निशा की छोटी बहन प्रिया है, ये हमारे साथ रहेगी। अच्छा तो मतलब शादी भी हो गई है और दहेज में साली भी मिल गई है, बहुत अच्छा किया। अरे दहेज में अपने पति को खाली हाथ भेजने से अच्छा था कि अपनी बहन यानी राहुल की साली को ही दहेज में डाल दिया। मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, तुम यहाँ नहीं रहोगे, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तभी विमला का पति मनोज वहाँ आता है और अपने बहू बेटे को सपोर्ट करने लगता है और विमला को समझाने लगता है। अरे विमला बात को समझने की कोशिश करो, अब तुम चाहकर भी ना सच्चाई को बदल नहीं सकती। अरे राहुल हमारा इकलौता बेटा है और अब तो उसने शादी कर ली है, अब तुम गिले शिकवे को भुला दो और उसे अपना लो हंसी खुशी, वरना कल को कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो समाज में क्या मुंह दिखाओगी। बेचारी सास को मजबूरन राहुल निशा के साथ साथ उसकी छोटी बहन को भी घर में आने की परमिशन देनी पड़ती है। ऐसे ही अगले दिन दोनों बहनें सुबह उठकर पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करके किचन में जाकर खाना बनाने लगती हैं और खाना बनाकर थोड़ी ही देर में पूरे परिवार को सर्व करने लगती है। खाना खाकर मनोज और विमला दोनों का मन खुश हो जाता है, लेकिन विमला अभी भी गुस्से में ही थी। विमला चाहे कुछ भी कहो, खाना तो बहुत अच्छा बनाया बहू ने, दोनों बहन गुनी है। प्रिया कितनी छोटी है लेकिन समझदार बहुत है, और इन दोनों के अंदर ना संस्कार बहुत है इनके माँ बाप की। अरे मैं तो उनको बेटियाँ मानता हूँ। अरे अब बस करो, कितनी तारीफों के पुल बांधोगे? देख लेना विमला, बहुत जल्द दोनों बहनें ना तुम्हारा दिल जीत लेंगी, एक दिन तुम खुद तारीफ करोगे इनकी। वो दिन तो कभी नहीं आने वाला, मैं विमला हूँ, विमला इतनी आसानी से कभी नहीं पिघलती। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन अचानक से प्रिया की तबीयत खराब हो जाती है और घर पर केवल विमला और निशा ही थे। निशा अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, सासू माँ वो आसपास कोई क्लिनिक है क्या? मेरी छोटी बहन की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उसे डॉक्टर को दिखाना है। आखिर क्या हुआ तेरी बहन को जो अचानक से डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है? सासू माँ वो मेरी बहन को बुखार हुआ है और मेरे पास बुखार की कोई दवा नहीं है, इसलिए मुझे उसे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। अरे डॉक्टर को दिखाने की क्या ही जरूरत है, घर में पैरासिटामोल पड़ी है, वही ले जाकर अपनी बहन को दे दे, वही खा के आराम मिल जाएगा उसे। अगर फिर भी आराम नहीं मिले तब जाके अपनी बहन को डॉक्टर से दिखा दियो। निशा अपनी सास की बात मानकर अपनी बहन को घर में ही पैरासिटामोल दे देती है। थोड़ी देर बाद निशा फिर से अपनी बहन का बुखार चेक करती है, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद राहुल ऑफिस से घर आता है और निशा राहुल को प्रिया की खराब तबीयत के बारे में बताती है। तभी वहाँ पर सास आ जाती है। माँ जब निशा कह रही थी कि प्रिया की तबीयत सही नहीं है तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाने दिया आपने? कर तो ऐसा रहा है जैसे दहेज में मिली हुई बहुत कीमती चीज है तेरी साली। अरे इतना लोकल सामान है ये, इस डॉक्टर को दिखाने की क्या ही जरूरत है, छोटी मोटी बीमारी होना तो आम बात है। माँ मेरी साली एक इंसान है, दहेज में दिया हुआ कोई सामान नहीं, जो पड़ा है तो पड़ा रहने दो, खराब हो रहा है तो खराब होने दो, माँ इंसान है वो, अगर वो बीमार पड़ेगी तो डॉक्टर से तो दिखाना पड़ेगा ना।
और निशा तुम्हें मुझे बताना चाहिए था पहले। निशा एक काम करो, प्रिया को लेकर गाड़ी में बैठो, मैं लेकर चलता हूँ। राहुल और निशा प्रिया को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और प्रिया का इलाज करवाते हैं, जहां डॉक्टर प्रिया को कुछ घंटों के लिए एडमिट कर देते हैं और दवाइयां देकर भेज देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सास की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। सास को बीमार देखकर निशा और प्रिया दोनों परेशान हो जाती हैं और वह दोनों बहनें मिलकर डॉक्टर को घर पर ही बुला लेती हैं। देखिए मैंने वैसे तो इनको दवाइयां दे दी है, जब तक इनका बुखार नहीं उतरता तब तक ठंडे पानी की पट्टियां करती रहना। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद दोनों बहनें मिलकर सास की देखरेख में लग जाती हैं। निशा किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाती है तो वहीं प्रिया ठंडे पानी से अपनी बहन की सास के सिर पर पट्टियां रखती है और थोड़ी देर बाद उनका बुखार उतर जाता है। आंटी जी आपको ठीक लग रहा है ना, लाइए मैं आपके पैर भी दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू मेरे पैर मत दबा, क्योंकि तू तो घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी कभी पैर नहीं छूती है। तू उम्र में इतनी छोटी है लेकिन उसके बावजूद भी तूने अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया है। जैसे बिन माँ बाप के बच्चे संस्कारी नहीं होते हैं, पर आज तुम दोनों बहनों ने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही अब सास का रवैया प्रिया और निशा दोनों के प्रति थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है और सास उन दोनों को दिल से स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही एक दिन सास अपने बेटे राहुल से कहती है, अरे राहुल बेटा मैं क्या सोच रही थी ना, अभी प्रिया बहुत छोटी है, जिस हिसाब से इसकी उम्र है ना हमें उसे पढ़ाना लिखाना चाहिए। मैं कहती हूँ इसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा दो ताकि ये पढ़ लिख सके। माँ सही कह रही है, हमें प्रिया का एडमिशन करवा देना चाहिए, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, होशियार है, अगर हम उसको स्कूल नहीं भेजेंगे ना तो आगे जाके उसको बहुत दिक्कत होगी। निशा घर में उसे पढ़ाती है लेकिन बाहर भी पढ़ाना जरूरी है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्ची बहुत होशियार है, अब जल्दी से जल्दी इसका एडमिशन करवा दो। सासुमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने सास के रूप में मुझे माँ दे दी हो। सच में सासुमा आप बहुत अच्छी हो, आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि यहाँ मुझसे भी ज्यादा मेरी बहन को प्यार मिलता है। निशा बेटी मेरी खुद की कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं हमेशा से यही सोचती थी कि जिस दिन मेरे घर में मेरी बहू आएगी ना उस दिन मैं उसे अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाऊंगी। पर पीछे जो कुछ भी हुआ है ना उन सब के चक्कर में मैं ये सब भूल चुकी थी, पर बीतते समय के साथ मुझे ऐसा लगता है ना जैसे मेरी एक नहीं बल्कि दो दो बेटियां हैं और मैं अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश हूँ। एक दिन प्रिया की शादी में मैं धूमधाम से करूँगी। अपनी माँ की बात मानकर राहुल अपनी साली को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा देता है, जिसके बाद प्रिया रोज समय से स्कूल जाया आया करती थी। राहुल अपनी साली को बहुत प्यार करता था और वह उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया करता था। राहुल के साथ साथ अब पूरा परिवार प्रिया को बहुत अच्छी परवरिश देता है। पुनीत एक गांव में रहने वाला अमीर जमींदार था, लेकिन पुनीत को अपने दोस्तों के साथ घूमना बहुत पसंद था। पुनीत एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा पैसे वाला आदमी था, लेकिन वो फिर भी गांव में अपने दोस्तों की तरह ही खेती बाड़ी करता था और उनकी तरह ही देसी अंदाज में रहता। एक दिन पुनीत की माँ मंजीरी पुनीत से कहती है, अरे कब तक तू इसी तरह अपने निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता रहेगा, शहर जा पैसे कमा, तू तो पढ़ा लिखा गवार बना घूम रहा है, अपने बीवी के आने के बाद भी यही करेगा क्या? अरे मैया मोरी आप बिल्कुल ही बातवा को समझत ही नहीं हो, एक ही बातवा को लेके बैठी हो। पहले तो तुम उसे ढंग से बात कर, तू अभी अपने दोस्तों के साथ नहीं है जो बिल्कुल भोजपुरी में बात कर रहा है। ईमे का दिक्कत बा, वैसे भी भोजपुरी में करी या हिंदी में बात तो एक ही बा। अपने पिताजी का काम में हाथ बटा तू, लेकिन नहीं तुझे तो अपने दोस्तों के साथ खेती बाड़ी करनी है। उमे भी तो पैसा ही आवत है ना। तुझे मैं क्या समझा रही हूँ और तू क्या समझ रहा है, एक काम कर तू वहीं जा अपने दोस्तों के साथ और कर खेती बाड़ी। अरे वाह बहुत ही बढ़िया बात बोली हो बाप, अच्छा अब हम जावत हैं। हाँ जा तू, तेरी बीवी आएगी तब देखती हूँ मैं भी। आने तो दीजिए पहले हमरी उनको। इतना बोलकर पुनीत वहाँ से चला जाता है और खेत में अपने दोस्त पप्पू के साथ खेती करने लगता है। और वहीं थोड़ी देर में एक निहारिका नाम की बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आती है। पुनीत उसे देखते ही उसे पसंद करने लगता है। पुनीत हिम्मत करके निहारिका के पास जाकर बोलता है, आप कोई नई है का इस जगह पर, पहले तो कभू ना देख ली तो के। सॉरी आप थोड़ा हिंदी में बोलोगे
मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। अरे मैडम, पुनीत भैया ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हमें आवत है हिंदी। पप्पू, तुझे बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही बता सकते हैं। हम तो बस आपका ही रास्ता साफ कर रहे थे। आप दोनों खुद ही सारी बातें कर लेंगे क्या? मैडम जी, आप बताइए आप यहाँ कैसे आई हो? वैसे आप ही बात करो ना, जैसे अभी बात कर रहे थे। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा वो। कोई बात नहीं, आप समझा देना। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो बतावा, आप यहाँ कोनो काम खातिर आई हो का? पुनीत और निहारिका इसी तरह बातें करने लगे और पुनीत निहारिका को जब समझ में नहीं आता तो वो उसे समझा देता। दोनों की बातें और मुलाकातें बढ़ने लगती है और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पुनीत ने कुछ दिनों बाद निहारिका को शादी के लिए प्रपोज किया और निहारिका ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ दिनों तक तो दोनों के बीच सब ठीक चलता है। कुछ दिनों बाद पुनीत निहारिका से कहता है, अरे ओ सुनती हो, तनिक बाहर तो आवा। ये क्या, हमारी शादी हो गई, अब तो हिंदी में बात किया करो। ये भाषा तो तुमको भी अच्छी लागत है ना, तो अब का परेशानी आ गई? शादी से पहले अच्छी लगती थी, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मैं खुद भी तुम्हारी तरह देसी बन जाऊंगी, तो मुझसे तुम हिंदी में बात किया करो। अरे मेहरारू जी, गुस्सा थूक दीजिए ना, अब हम आपसे हिंदी में बात करें या देसी में, लेकिन समझ तो फिर भी जाओगी ही। हाँ ये ठीक है, अपनी बात में घुमाओ मत मुझे। तुमको नहीं तो कोनो औरों को घुमाई। वो सब तो ठीक है, लेकिन कब तक तुम यहीं गांव में पड़े रहोगे? यहाँ से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना तुम्हें। अरे तुम भी ना, यहाँ से काहे निकलना है, यहाँ सब तो है, हम हैं यहाँ, तुम हो यहाँ, और का चाहिए? अरे मेरे देसी सैया, आगे के भविष्य के लिए। पहले हम आपको तो निहार ले हमारी निहारिका जी, भविष्य बाद में देख लेंगे। पुनीत अपनी बातों से निहारिका को मना लेता है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन बहुत दिनों तक जब ऐसा ही चलता रहा तो निहारिका को पुनीत के देसी होने से चिढ़ होने लगती है और वो किसी ना किसी बात को लेकर पुनीत को सुनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन निहारिका मंजीरी के साथ बैठकर बातें कर रही होती है, तभी सामने से पुनीत आकर कहता है, हमारा धोती कुर्ता तो दे दो, हम तनिक बाहर से टहलाएं। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कहीं बिजनेस विजिट के लिए जा रहे हो, चाव खुद निकाल लो। अब क्या हुआ, जब मैं बोलती थी समझ नहीं आता था, अब सही है? इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी बा, ये तो होत रहता है। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि हिंदी में बात किया करो, ये क्या है, क्यों गवारों की तरह बात करते हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल गवार लगते हो तुम। देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। कोई नहीं होता देसी का फैन, बस ये टीवी में ही अच्छा है। अरे तुम यहाँ से जा रहे थे ना, दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? अच्छा तुम लोगों के ना अच्छा लगा ये गाना, तो कोनो बात नहीं, हम चलते हैं। निहारिका पुनीत की हमेशा हर किसी के आगे पुनीत के देसी होने पर बेइज्जती करती थी, लेकिन पुनीत को निहारिका की बातों का बुरा नहीं लगता था, वो निहारिका की बातों को मजाक में लेता था। कुछ दिनों बाद निहारिका के घर में निहारिका की सहेली रिया आती है और निहारिका से कहती है, अरे यार तू तो शादी के बाद भूल ही गई। नहीं यार, मैं कहाँ तुझे भूल सकती हूँ। ये सब छोड़ और अपने पति से तो मिलवा, मैं भी तो देखूँ अपने जीजा जी को। हाँ ठीक है, रुक अभी बुला। निहारिका पुनीत को बुलाती है और रिया से मिलवाते हुए कहती है, इनसे मिल, ये है मेरे देसी सैया। देसी सैया, ये कैसा नाम है? अभी ये जब बोलेंगे ना तो तू खुद ही समझ जाएगी। सुनिए जी, जरा बोलना। रिया जी प्रणाम, हम निहारिका जी के पति। इसमें क्या देसी है, ये तो बड़ी ही तमीज से बात कर रहे हैं। रुक तो सही, पूरा तो सुन। हमका तो ई ना ही समझ आवत है कि निहारिका जी हमरे पर इतना काहे हंसत है, हम तो केवल देसी है, जानवर थोड़ी है। अरे वाह, तू तो सुबह शाम हंसती ही रहती होगी अपने देसी सैया के साथ। यार मैंने इनके देसी अंदाज को पसंद करके शादी तो कर ली, लेकिन अब इनको किसी से मिलवाने में मुझे बड़ी शर्म आती है। वो तो तू थी, इसीलिए सब कुछ सच बता दिया, वरना किसी और के सामने होती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। नाम बहुत ही अच्छा है निहारिका का, देसी सैया। तू भी मजाक उड़ा ले, तुझे यहाँ मैंने अपना दोस्त समझकर सब बताया, लेकिन तू भी बाकी सबकी तरह निकली। अरे तू बुरा क्यों मान जाती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। निहारिका और रिया की बातों को सुनकर वहीं खड़ा पप्पू आता है और बोलता है, भाभी
अगर आपको इतना ही भैया के देसी होने से चिढ़ थी तो शादी क्यों की? अरे पप्पू कोनो बात नहीं है, निहारिका जी को हमारा देसी होना अच्छा नहीं लागत है तो बोल देती हैं। इसमें कौन सा बड़ी बात है? सही तो बोल रहे हैं तुम्हारे भैया। आपको शायद पता नहीं है भाभी, भैया बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं और लेकिन वो आपकी तरह हर बात को चढ़ा बढ़ा कर नहीं बताते हैं। इतने ही पढ़े लिखे हैं तो ये देसी बनकर क्यों रहते हैं? आप भी तो बिल्कुल मॉडल बनकर रहती हो। जब आप लोगों को कोई टोकता नहीं है या कुछ बोलता नहीं है तो भैया के देसी होने पर क्यों बोल रही हो? लेकिन जब इन्हें बुरा नहीं लग रहा तो तुम क्यों बीच में आ रहे हो? बुरा लगता है तो भी भैया आपको कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको बुरा ना लग जाए। और वैसे भी आप ये बताओ, शहर वालों की तरह कभी आपकी कहीं भी भैया ने आपकी तरह बेइज्जती की है? जी नहीं। तो यही तो फर्क है देसी लोगों में, वो आपकी इतनी इज्जत करते हैं जबकि वो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको तो बस अपने आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। बात तो सही बोल रहे हैं ये, जीजा जी मुझसे भी इतनी तमीज से बात कर रहे थे। निहारिका को अपनी गलती समझ में आती है और वो पुनीत से कहती है, मुझे माफ कर दो। कोनो बात नहीं, आप और हम अलग थोड़े हैं और वैसे भी आपकी बातों का हम बुरा नहीं मानते। मुझे समझ आ गया है और अब मुझे अपने देसी सैया से कोई परेशानी नहीं है। पुनीत निहारिका को माफ कर देता है और निहारिका ये सब मंजीरी को भी समझाती है और उसके बाद निहारिका को पुनीत के देसी होने से कभी कोई परेशानी नहीं होती और पुनीत भी निहारिका से कभी देसी अंदाज में बात करता तो कभी शहरी अंदाज में और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। सपना और कुमकुम दोनों बहनों की आपस में बड़ी बनती थी। सपना कुमकुम की बड़ी बहन थी। सपना कुमकुम से बहुत प्यार करती और दोनों अपनी चीजें एक दूसरे से बांटा करती। एक दिन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। दोनों का झगड़ा सुलझाने के लिए उनकी माँ कांता आती है और कहती है, बस करो दोनों निकम्मियों, दोनों बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो वरना दोनों को झाड़ू से मारूंगी। दोनों बहनें रुक जाती है और लड़ना बंद होते ही कांता कहती है, क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो दोनों? माँ देखो ना, दीदी ने मेरे कपड़े पहन लिए। अच्छा, आज ये तेरे कपड़े हो गए? वैसे जब तुम मेरे कपड़े पहनती है उसका क्या? तुम दोनों इतनी बड़ी गधी हो कि कल को अगर दोनों की शादी हो गई फिर याद करना दोनों। अच्छा ही होगा ना, दूर रहेगी मुझसे तो मेरे लिए अच्छा है, कुछ देना और लेना तो नहीं पड़ेगा। टेंशन मत लो दीदी, जब आपकी शादी होगी मैं तुम्हारे देवर से ही शादी कर लूँगी और मैं तुम्हारी देवरानी बनकर घर आऊँगी। तुझे तो मैं बताती हूँ, मेरी देवरानी बनेगी तू। इतना बोलकर सपना दोबारा कुमकुम पर टूट पड़ती है। दोनों की लड़ाई होने लगती है। इस बार कांता दोनों को एक एक झाड़ू मारकर दोनों से कहने लगती है, मरो दोनों के दोनों, एक पैसे की अकल नहीं है दोनों में। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और सपना की शादी हो जाती है। सपना का एक देवर था जिसका नाम कुमार था। कुमार और कुमकुम एक दूसरे को पसंद करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। सपना भी अपने ससुराल में खुश थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सपना की सास शांति हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजती है और उसकी सास सपना को कहती है, बहू, अरे ओ बहू, देख तो जरा दरवाजे पर कौन आया इतने टाइम। हाँ माँ जी, अभी आई। सपना गेट खोलने जाती है और देखती है कि उसके देवर ने शादी कर ली। जब कुछ देर तक सपना वापस नहीं आती तो शांति दोबारा उसे आवाज लगाती है, कौन है बहू, भूत देख लिया क्या तूने कल मुँह ही, जो आवाज बंद हो गई तेरी। माँ जी आप बाहर आइए, आपके भी होश उड़ जाएंगे। शांति गेट पर आती है और देखती है कि कुमार के साथ एक लड़की खड़ी है जो कि शादी की जोड़ी में खड़ी थी। कुछ देर देखने के बाद शांति कहती है, ये क्या बेटा, तूने शादी कर ली वो भी हमको बताए बिना। क्या करूँ माँ, अपने प्यार की शादी किसी और के साथ होते मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैंने शादी कर ली। वो तो ठीक है, पर ये लड़की कौन है, जरा मुखड़ा तो दिखा। ये माँ, भाभी की बहन कुमकुम है। क्या बकवास कर रहे हो देवर जी, ऐसा नहीं हो सकता, कुमकुम ने लव मैरिज कर ली और शादी करके मेरे ही घर आ गई। कुमकुम घूंघट उठाती है और बोलती है, देखा दीदी, बोला था ना कि लव मैरिज करके आपके ही ससुराल में आऊंगी, अब तो शादी हो गई और आप यहाँ से मुझे निकाल भी नहीं सकती। अब बस करो, जो हुआ सो हुआ, जा बहू आरती की थाली ले आ, बहन तेरी पहले थी अब तेरे देवर की बीवी है ये। जी माँ जी, अभी लाई, कर लो स्वागत मेरी देवरानी का और मेरी छोटी बहन का। सपना गुस्से में आरती की थाली लाती है और नई बहू का स्वागत करती है। अब रोज रोज सपना
उन दोनों को देखकर जरा करती। शादी के बाद कुमकुम भी अपना घर संभाल लेती है और सारे काम टाइम पर करती है। अब सपना को मौका मिल गया था कुमकुम को नीचा दिखाने का और वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी आपको चाय मिल गई क्या? मेरे कमरे में अभी तक चाय नहीं आई है। नहीं बहू, अभी तक तो नहीं आई, पता नहीं आज कुमकुम कहाँ रह गई। माँ जी चाय तब आएगी जब कुमकुम महारानी की आंखें खुलेगी, वो लाडो रानी अभी तक सो रही है। अच्छा, पर वो तो जल्दी उठ जाती है ना, लगता है आज उसकी तबीयत खराब है। एक काम कर, आज तू ही सारे काम कर ले घर के। मैं? माँ जी आप कुमकुम को क्यों नहीं बोलती हो? नहीं तो क्या मैं करूँ, चुपचाप जाकर काम कर ले, रोज करती है वो, आज तू कर देगी तो छोटी नहीं हो जाएगी। वैसे भी कोई तेरी पराई तो नहीं है, तेरी बहन ही तो है वो। ठीक है माँ जी, पर रात को मैं एक काम नहीं करूँगी। सपना इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और घर के सारे काम करने लगती है। सपना काम करते करते खुद ही अपने आप में बातें करती है और कहती है, हे भगवान, किस चीज की सजा दे रहा है तू मुझे? एक तो पहले ही मेरी बहन को मेरी देवरानी बना दिया और अब जेठानी का भी हक और माजी के आगे इज्जत सब खत्म करते जा रहे हो। सपना बातें करते करते अपना सारा काम खत्म कर लेती है और अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। वो कुमकुम के कमरे की तरफ से होकर गुजर रही थी और वो अपने पति से बात कर रही थी। कुमार की उस दिन ऑफिस की छुट्टी थी तो कुमार और कुमकुम दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। वो ये सब देखती है और खुद से बात करते हुए कहती है, एक देवर जी हैं जो कुमकुम का कितना ख्याल रखते हैं और एक मेरा पति जिसको बिल्कुल भी कदर नहीं है मेरी। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, वहाँ रे ऊपर वाले, तेरी लीला अपरंपार है। एक ही घर में दो बहनों को भेज दिया, कोई ऐश कर रही है तो कोई पति के आने का इंतजार। काश मैंने भी लव मैरिज की होती तो मेरी भी जिंदगी कुमकुम जैसी होती। खैर, अपने नसीब में तो मेरे पति का प्यार है ही नहीं। इतना बोलते बोलते सपना वहाँ से चली जाती है कि तभी कुमकुम उसे देख लेती है और आवाज लगा कर कहती है, दीदी आप यहाँ आओ ना, चाय पी लो। तू ही पी चाय, तेरी किस्मत में ही पति के साथ बैठकर चाय पीना लिखा है। मेरा पति तो बस काम काम करता रहता है और मैं उसका इंतजार करती हूँ। कोई बात नहीं, आप अपनी देवर और देवरानी के साथ चाय पी लो। हाँ भाभी आओ ना, बैठकर बातें करते हैं। नहीं देवर जी, आप दोनों ही पीजिए, मुझे नहीं पीना। सपना इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और सपना को ऐसे मुंह बनाते देखकर कुमार कहता है, क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों बोल रही है? पहले तो वो ऐसा नहीं बोला करती थी। तुमने सुना नहीं, दीदी ने कहा कि मैं तो बस अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। जब हम छोटे थे तो दीदी को लव मैरिज करना था, लेकिन घर वालों ने उनकी अरेंज मैरिज शादी करवा दी और अब मैं लव मैरिज करके आई हूँ, जिस वजह से दीदी चिढ़ गई है। अच्छा तो ये बात है, पर भैया भी क्या कर सकते हैं, वो जो भी करते हैं इनकी खुशी के लिए करते हैं, पर टाइम नहीं देते ये तो अलग बात है। तो हम लोग जेठ जी से बात करके दीदी और जेठ जी को बाहर भेज देते हैं, कुछ वक्त वो दोनों साथ रहेंगे तो दीदी का मूड भी अच्छा हो जाएगा। चलो फिर तय रहा कि हम भैया और भाभी को एक लंबे टूर पर भेजेंगे। दोनों मिलकर पहले उन दोनों के लिए एक अच्छी सी जगह देखते हैं, फिर कुछ दिन बाद पुष्कर के साथ मिलकर वो घूमने जाने का प्लान बनाते हैं और पुष्कर कहता है, नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मेरे पास इतना ना फालतू समय नहीं है। अरे भैया आप ऑफिस का काम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभालूंगा, आप भाभी के साथ कहीं बाहर घूमने जाओ और उनका मूड भी अच्छा होगा। हाँ जीजू, देखो अगर आप उनको बाहर ले जाओगे तो उनको अच्छा लगेगा और क्या पता दीदी आप पर खिसियाना भी बंद कर दे। हाँ वैसे क्या तो तुम सही रहे हो, बहुत दिन से उसे मैं कहीं लेके नहीं गया घूमने के लिए। ठीक है फिर मैं अपनी पत्नी को लेकर कहीं घुमा के आता हूँ और तुम ना काम संभाल लेना। ठीक है? ठीक है भैया, आपकी और भाभी की 2 दिन की बात की टिकट कर दी है, इंजॉय करना। सपना को बिना बताए तीनों ने प्लान बना लिया। अब वो दिन आ गया जब सपना और पुष्कर दोनों को टूर पर जाना था। दोनों टूर के लिए रेडी होकर निकल रहे थे कि तभी सपना को पता चलता है कि ये सारा प्लान कुमकुम और कुमार ने मिलकर बनाया ताकि वो थोड़ा सा टाइम अपने पति के साथ स्पेंड कर सके। सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुमकुम को कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे लगा था कि तूने लव मैरिज की है तो तू ऐश कर रही है, पर तू तो बहुत अच्छी निकली, तेरी वजह से ही आज इतनी सालों बाद मेरा पति मुझे बाहर ले जा रहा है। कोई बात नहीं दीदी, आप मेरी बड़ी बहन हो, आपके लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ ना, आप भी तो मेरे लिए बचपन में बहुत कुछ करती थी, आज इतना मैंने कर दिया तो क्या हुआ, जाइए वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी आपकी।
दोनों बहनें आपस में गले मिलती हैं और दोनों कभी देवरानी जेठानी तो कभी सगी बहनों की तरह रहती हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।